मोहम्मद अली के लिए एक बड़ा प्यारा शेर भी अर्ज कर रहे हैं हम इस रिकॉर्डिंग में। तो मोहम्मद अली के लिए अर्ज कर रहे हैं कि वो आ गए तो रोशन माहौल हो गया है, आज कितना हसीन कराची लाल किले का मंजर हो गया है। तो गाइस ये देख सकते हैं फाउंटेन इतना प्यारा लग रहा है। एंड उसी के बिल्कुल साथ में बारबेक्यू पक रहा है, क्या मजा आएगा इसे खाने का। देख सकते हैं बारबेक्यू है सारा। सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं गए एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस आज है ईद का दूसरा दिन, तो आज हम आए हुए हैं लाल किला। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है, तो आज हम यहाँ पे करने आए हुए हैं डिनर। और ये एक बूफे है लाल किला, जिसको नहीं पता यहाँ काफ़ी मज़े के खाने मिलते हैं, हर डिश मिलती है, 100+ डिशेज होती हैं। तो गाइस मैं आपके इसके चार्जेस भी बताऊँगा कि इसके कितने चार्जेस हैं, कितने रुपीज़ हैं, एंड बने रहिए वीडियो में। और जगह भी आगे पहले बाहर ही रहता था और अंदर रहता है। ये गाइस ब्रिज है, इनका देख सकते हैं फाउंटेन चल रहे हैं साइड पे, एंड यहाँ पे काफी ज्यादा शोर है। तो मैं आपको साइड की वॉइस आपको क्लियर ना ऑडियो फैन भी लगाए हुए हैं। अभी थोड़ा खाली टाइप है और अभी वीडियो में फुल हो जाएगा। तो गाइस बूफे स्टार्ट हो चुका है, तो लेट्स ग्रैब द फूड। तो गाइस लोकेशन इज वेरी सुपर ऑसम, तो अभी बारबेक्यू स्टार्ट है तो लेते हैं। Thank you.
मोहम्मद माजको। मुझे पिज्जा चिप्स एंड पानी है मीठा, ये लेमन है, ये इमली का पानी है, ये खट्टा मीठा और ये चिली मिली। Thank you.
शहजादा अली और तमाम आए हुए मेहमानों को हम खुशामदीद वेलकम कहते हैं। एक शेर हमारे इस उभरते हुए शहजादे अली के लिए अर्ज कर रहे हैं कि गुलों के लब पर तबस्सुम नहीं तो कुछ भी नहीं, रविश रविश पे तरन्नुम नहीं तो कुछ भी नहीं। शहजादे लाख सही लाल किले में अली, आज यहाँ हमारे साथ तुम नहीं हो तो फिर कुछ भी नहीं। इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारी बहुत सारी दुआएं हैं कि ये चैनल पाकिस्तान में इंशाल्लाह मशहूर हो जाए, और हो चुका है आधा आधा। एक शेर ये आपकी वालदेन के लिए आपकी तरफ से अली। अली कह रहे हैं अपनी अम्मी के लिए कि चलती फिरती हुई आँखों से अजा देखी है, चलती फिरती हुई आँखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है मगर माँ देखी है। शहजादे जो बीच में बैठे हैं अहमद, अहमद से कह रहे हैं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, अहमद जमीन पे बैठ कर क्या आसमान देखता है, मिला है तुझे हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, देख संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। तो ये शाही दावत किन की तरफ से है हमारे उस छोटे मेहमान के लिए, क्या नाम है? सुलेमान। सुलेमान के लिए अर्ज कर रहे हैं कि बाद मुद्दत के दुआओं में असर आया है अम्मी अब्बी दादा दादाओं की, बाद मुद्दत के दुआओं में असर आया है। सुलेमान तुम लाल किले में आए हो या ईद का चांद निकल के आया है। और एक बड़ा शेर जो बड़ी हस्ती उधर बैठी हैं, जरा उनके बारे में हम कुछ बताएंगे। वालदा है तो ये बड़ा शेर अम्मी के लिए कि अगर माँ नहीं होगी तो फिर वफा कौन करेगा, ममता का हक माँ तेरे सिवा अदा कौन करेगा। यारब मेरी अम्मी को हमेशा रखना सलामत, बच्चे कह रहे हैं वरना बच्चों के जीने की दुआ कौन करेगा। सब राज करें और उनके लिए एक छोटा शेर बयान कर रहे हैं। एहसास से चमन कैद करो तो जाने, अंदाज़े चमन कैद करो तो जाने, फनकार को तुम कैद तो कर सकते हो, फनकार का फन कैद करो तो जाने। शेर मोहम्मद अली के लिए एक बड़ा प्यारा शेर भी अर्ज कर रहे हैं हम इस रिकॉर्डिंग में। तो मोहम्मद अली के लिए अर्ज कर रहे हैं कि वो आ गए तो रोशन माहौल हो गया है, आज कितना हसीन कराची लाल किले का मंजर हो गया है। रोशन है वो नजारे और चमक तो हुए सितारे, मोहम्मद अली सुना है कि चांद तुम्हें देख के पागल सा हो गया है, खुशबू है फिजाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है फिजाओं में बिखर जाएगा, मगर मसला है फूल का कि फूल बिखर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ राहिल है और मैं तकरीबन यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 or 3 months से यहाँ पर हूँ। मैंने नई जॉब, इट्स माई न्यू ऑपरेशन, और यहाँ पर तकरीबन हमारे पास 40 to 50 पीसीज होती हैं हर हाफ के अंदर, और इसके अलावा हम यहाँ पर जो है कस्टमर्स को हमेशा फ्रेश फूड सर्व करते हैं। यहाँ पर हर बुफे पे हम हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल होती है। हम तमाम कस्टमर की, तमाम जो वेजिटेरियन हैं और नॉन वेजिटेरियन हैं, सबकी चॉइस को सामने मद्देनज़र रख के हमने अपना फूड प्लान किया हुआ। आप भी आइए, इन्जॉय कीजिए फैमिली के साथ। थैंक यू वेरी मच। होप गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो मिलते हैं नेक्स्ट।